आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हेलो गाइस, मैं हूँ वंदना और आज मैं लाई हूँ आपके लिए इंदुलेखा भृंगा ऑयल का रिव्यू। तो इस ऑयल को यूज़ करते हुए मुझे 6 मंथ हो चुके हैं। इस ऑयल की पैकेजिंग की बात करें तो ये ऑयल ऐसे गोल्डन कलर की एक बोतल में आता है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी ये कोम्ब इसके ऊपर आता है तो ऑयल पेस्ट नहीं जाता और बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाता है हेड पे और बहुत ही आसानी से लग जाता है। पर इसके अगर हम प्राइस की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई है इन प्राइस। ये 432 रुपये का आता है 100 ml का, काफ़ी हाई प्राइस है। खैर, मैंने इसको यूज़ किया तो जो मुझे रिज़ल्ट मिला तो उसके बारे में बात बताती हूँ मैं। इस पर लिखा हुआ है एन आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिनल, ये मेडिसिनल है और इसमें और भी कई सारी जड़ी बूटियाँ उसका मिक्सचर है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है सारी जड़ी बूटियों के नाम और इस पर लिखा हुआ है दिस ऑयल इज़ नॉट अ रेगुलर हेयर ऑयल बट आयुर्वेदिक मेडिसिनल रिकमेंडेड बाई आयुर्वेदिक फिजिशियन। तो मैंने इसे यूज़ तो किया बट गाइस सच बताओ तो मुझे ये हेयर ऑयल बिल्कुल भी सूट नहीं किया। मैंने इस उम्मीद से लगाया था कि मेरा हेयर फॉल रुक जाएगा और मेरे हेयर्स की क्वालिटी कुछ बेटर हो जाएगी बट मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं पता चला। मेरे इस हेयर ऑयल से थोड़ा हेयर ऑयल बच भी गया है, मैंने इसको लगाना टोटली छोड़ दिया है। मुझे तो सूट नहीं किया, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ, बाकी आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। जो भी इसके दावे हैं तो वो उन पे ये बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता और सच बताऊँ तो मेरे और ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा, मेरे सर से इतना बाल झड़ने लगा कि मैंने इसको तुरंत लगाना छोड़ दिया। अगर हो सकता है सूट करने की बात हो, किसी किसी को सूट कर जाता हो तो ना होता हो ऐसा रिजल्ट, मे भी हो सकता है मेरे साथ ही ऐसा हुआ बट आई कांट रिकमेंडेड दिस ऑयल। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।